हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है। इसका आज जो है हम शावर बनाने वाले हैं। इसे खोल लेना है और उसके बाद हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, और एक चाहिएगा हमें पुराना होल्डर, जो ख़राब होगा तो भी चलेगा। एक ये एल्बो है जो 45 डिग्री का है, और एक ये 90 डिग्री का एल्बो है। तो हमें जो ये 45 डिग्री का एल्बो है, इसकी ज़रूरत होगी। अब इसे हमें इसके अंदर लगा लेना है, लेकिन ये थोड़ा टाइट है, तो अब हमें इसे सैंड पेपर की मदद से घिस लेना है, ताकि हमारा जो एल्बो है वो इजीली इसके अंदर जा सके। और अब ये आसानी से इसके अंदर जा रहा है। और ये देखिए, हमारा जो होल्डर का शेप है वो थोड़ा सा तैयार हो चुका है। अब हमें ये प्लेट चाहिएगी। ये भी लाइट फिटिंग में काम आने वाली प्लेट है, जो होल्डर के पीछे लगती है। तो अब हमें इसको इस जगह रखना है, और इसके अंदर एक गोलाकार काट लेना है। तो यहाँ पर पहले हम इसका इससे निशान लेंगे, और इससे थोड़ा सा बड़ा गोला हमें काटना है। थोड़ा सा बड़ा गोला काटेंगे, ताकि हमारा जो एल्बो है वो आसानी से अंदर बाहर जा सके। तो हम यहाँ गोल की जगह चौकोर काट लेते हैं, जो आसान रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसे कवर करना है। इस होल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से गोल चौकोर जैसा भी काट सकते हैं। चाहे तो आप किसी चाकू को गर्म करके भी इसे काट सकते हैं। अब ये हमारी प्लेट रेडी है। इसको थोड़ा हम सैंड पेपर की मदद से साफ़ कर लेते हैं। अब हमें पुराने नल का ये पीछे वाला भाग चाहिएगा, क्योंकि हमें इसके थ्रेड की ज़रूरत है। या फिर आप जो इस तरीके से नल के पॉइंट्स को बंद करने के लिए केप आती है, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे के जो थ्रेड हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, जो हमारे इस एल्बो के अंदर इस तरीके से लग जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लेट रख ली है, एल्बो भी हमारा लग गया है। अब इसे भी लगा करके हम इसका नाप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा हिस्सा थोड़ा बाहर दिख रहा है, इसे हम स्केल की मदद से नापेंगे, और जो भी नाप यहाँ पर आएगा, वही नाप हम इस एल्बो पे निशान लगा करके एल्बो को कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, हमारी जो सारी चीज़ें हैं सब लेवल में आ चुकी है। अब इसे हम सॉल्वेंट की मदद से चिपका लेंगे। आपको सॉल्वेंट अच्छी तरीके से लगाना है, ताकि पानी कहीं से भी लीकेज ना हो। अब होल्डर को भी प्लेट के ऊपर फेविक्विक की मदद से चिपका लेना है।
अब इस जगह भी थोड़ा सा फेविक्विक लगाएंगे। अब लगभग हमारा होल्डर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर का जो ये कैप है हमें इसे भी निकाल करके इसके ऊपर लगा लेना है। तो पहले हम इसके नीचे का भाग बनाएंगे, उसके बाद इस कैप को यहाँ पर लगाएंगे। ताकि हमारा जो ये शेप है पूरा होल्डर जैसा दिखाई दे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा ढीला है, तो इसके लिए अब हम एक जुगाड़ करेंगे। यहाँ आधा इंची का एल्बो है, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे और इसको इस तरफ से लगा देंगे। तो पहले हम इसका जो है रिंग काट लेते हैं, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये रिंग रेडी है, जिसे हमें थोड़ा सा नरम करना है गरम करके। और उसके बाद हमें इसे इसके ऊपर चढ़ा लेना है। अब इसको हम इसी जगह पे सॉल्वेंट की मदद से चुपका देंगे। अब इसे सूखने के लिए रख देना है। अब हमारे पास ये डिफ्यूज़र है जो बल्ब के ऊपरी भाग में काम आता है। तो अब इसके अंदर हमें मार्किंग कर लेना है। आपको मार्किंग दूर दूर करना है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 mm की ड्रिल से इसके अंदर छेद करेंगे। पहले हम जहाँ जितने मार्क करे हैं उतने छेद करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि छेद कम है तो हम इसमें छेद बड़ा भी लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसमें इतने ही छेद कर रहे हैं। तो अब इसे भी हमें सॉल्वेंट की मदद से अच्छी तरीके से चुपका लेना है। अब जो ये हमारा शावर है बिल्कुल बल्ब की तरह दिख रहा है और ये रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये शावर बिल्कुल बल्ब की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पुराना शावर था इसे अभी हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम इस जगह पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे लगा लेने के बाद ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ये बल्ब है या शावर है। तो अगर बाथरूम में कोई आता भी है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये बल्ब है जिसमें से पानी भी निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम इसकी जो है टेस्टिंग करेंगे।
तो देखिए इसके अंदर से पानी निकलने लगा है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसमें से पानी निकल रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल जो पानी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।